गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सारनाथ का अशोक स्तंभ लेसन 6। इसमें एक बच्ची है कुहू नाम की। पहले मैं आपको उसका पूरा सारांश बता देती हूँ। कुहू नाम की एक बच्ची है जो कि अपनी मौसी के घर घूमने जाती है वाराणसी में, और वहाँ वो घूमती है तो उसने जो जो भी देखा था वो अपनी सहेली मान्या को बताती है और उसको पत्र लिखकर बताती है कि उसने वहाँ पे क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ घूमने गए, उसे कैसा लगा। इन सब का वर्णन वो अपनी पत्र में अपनी सहेली के लिए करती है कि तुम भी देखो मैंने क्या क्या देखा और वहाँ पे कैसा लगा। तो चले अब पत्र पढ़ें। प्रिय मान्या, सस्नेह नमस्कार। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया तो मैंने सोचा मैं ही आज तुम्हें पत्र लिखती हूँ। इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम अपनी मौसी के यहाँ वाराणसी गए थे। यहाँ हमने गंगा नदी तथा काशी विश्वनाथ मंदिर देखे। दिन भर हम सब खूब मस्ती करते रहते और शाम को गंगा की भव्य आरती के दर्शन करते थे। रविवार को मौसा जी हम सबको सारनाथ ले गए। वहाँ हमने थाई मंदिर, चौखंडी स्तूप और अशोक स्तंभ देखा। स्तंभ का मतलब होता है खंभा, तो उसने क्या देखा था? अशोक स्तंभ। मैं तुमको अशोक स्तंभ के बारे में बताना चाहती हूँ। अशोक स्तंभ दरअसल उत्तर भारत में मिलने वाले श्रृंखलाबद्ध स्तंभ है। दरअसल का मीनिंग क्या होता है? वास्तव में। और कहाँ मिलता है? उत्तर भारत में मिलने वाले श्रृंखलाबद्ध, मतलब एक कतार में, एक क्रम में मिलने वाले स्तंभ है। इन्हें सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में बनवाया था। किसने बनवाया था? सम्राट का अर्थ होता है राजा, तो सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में बनवाया था। वैसे तो ऐसे कई स्तंभ बनवाए गए थे, परंतु शिलालेख के साथ अब केवल 19 स्तंभ ही हैं। शिलालेख मतलब जो पत्थर पर लिखने वाला, खुदवा कर जो कुछ लिखवाया जाता है उसे कहते हैं शिलालेख। बचे हैं इनमें से सारनाथ का स्तंभ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध का मतलब होता है मशहूर, तो सबसे अधिक प्रसिद्ध है उसने बताया। हर स्तंभ की ऊंचाई 40 से 50 फीट है और वजन कम से कम 50 टन है। तो उसने क्या बताया कि एक एक स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 40 से लेकर 50 फीट है और वजन कितना है? 50 टन। अशोक स्तंभ के ऊपरी हिस्से को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इसमें 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े हैं। चतुर्मुख मतलब 4 मुख वाला, और इसमें 4 जो शेर हैं, जो सिंह हैं, वो एक दूसरे से अपने पीठ को सटाए हुए खड़े हैं। अशोक स्तंभ अब भी अपने स्थान पर स्थित है, किंतु इसका शीर्ष भाग सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। उसने क्या बताया अपनी सहेली को कि जो अशोक स्तंभ है वो अपनी जगह पर मौजूद है, स्थित है। स्थित का मतलब होता है मौजूद, लेकिन उसका जो शीर्ष भाग है, ऊपरी हिस्सा, वो कहाँ है? संग्रहालय में रखा हुआ है। संग्रहालय का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पुरानी चीज़ों को एकत्रित करके रखा जाता है, वहाँ पर रखा हुआ है। इसे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपना लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। स्तंभ के निचले भाग में बना अशोक चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज की शान बढ़ा रहा है। वास्तव में यह स्तंभ अत्यंत सुंदर और मनमोहक प्रतीत होता है। और क्या बताया उसने अपनी सहेली को कि अशोक चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज की क्या कर रहा है? शान बढ़ा रहा है। ध्वज मतलब झंडा, तो राष्ट्रीय झंडे की शान बढ़ा रहा है। और वास्तव में यह कैसा दिखता है? अत्यंत सुंदर और मनमोहक। अत्यंत मतलब बहुत सुंदर और मनमोहक प्रतीत होता है। मनमोहक मतलब मन को मोहने वाला लगना। तुम इन छुट्टियों में कहाँ गई थी? अपनी यात्रा के अनुभवों के बारे में बताना। अपनी माँ व पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और भैया को नमस्कार। तुम्हारी सहेली कुहू। ये उसने पूरा पत्र